ये देखिए गाइस, यम्मी टेस्टी दही जो कि आज हम एक फ्लेवर में दही को जमाएंगे, क्योंकि गाइस इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है तो दही खाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। तो देखिए कितना थिक और कितना यम्मी दही जम करके तैयार होगा हमारा। और ये कितना भी पतला दूध हो आपका, बहुत यम्मी, बहुत ज़्यादा यम्मी दही जम करके तैयार होगा। तो गेस्ट आने को हों अगर घर में और पहले से आपको ना पता हो तो आप 1 घंटे पहले ये दही जमा करके रख दीजिए। जब आपको मालूम चले तो ये दही 1 घंटे बाद जम कर तैयार हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस आज देखिए हम बनाने जा रहे हैं दही। तो ये ले लिया है मैं 1/2 kg दूध, फुल फैट मिल्क है, आप देख सकते हैं ये बॉयल दूध है हमारा। आप चाहें बिना बॉयल का भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें लास्ट में इसको बॉयल ही करना है। तो चलिए देखते हैं, इसको रखते हैं बॉयल होने के लिए, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत है तो विटामिन सी वगैरह बहुत ज़रूरी होता है और हमारे दही में विटामिन सी होता है। तो देखिए वो बॉयल हो रहा है। ये हमने ले लिया है कस्टर्ड पाउडर, तो ये वनीला फ्लेवर का है कस्टर्ड पाउडर। तो इसको हम क्या करेंगे, आज जैसे मार्केट में दही मिलता है उसी तरह से बनाएंगे दही। तो ये देखिए कस्टर्ड पाउडर हमने 2 स्पून के करीब ले लिया है अपने बाउल में। तो जब तक हमारा दूध में बॉयल आता है तब तक हम इसे लंग्स फ्री बैटर बना करके रख लेंगे और फिर इसको ऐड करेंगे। इसकी वजह से गाइस दूध में हमारी थिकनेस बढ़ेगी और दही भी हमारा अच्छे से बनकर तैयार होगा। तो देखिए दूध में बॉयल आ चुका है, तो अब इसमें हम अपना कस्टर्ड पाउडर ऐसे हिलाते हुए डालेंगे और दूध को बराबर चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये तली में जाकर बैठ जाता है। अगर ये बैठ जाएगा तो नीचे जल भी सकता है और गांठें भी पड़ सकती हैं इस वजह से। तो देखिए इस तरह से चलाते रहेंगे जब तक इसमें एक बॉयल ना आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं, और गाइस गेस्ट आए हो ना, बस 1 घंटे पहले आप फटाफट दही जमा कर रख दीजिए और वो भी कहेंगे कि कैसे इतनी जल्दी दही जमा लिया है। तो देखिए कोई यकीन नहीं करेगा कि 1 घंटे में दही जमा करके तैयार कर दिया है आपने। तो देखिए इस तरह से बॉयल आ गया है, इसको करेंगे हम ठंडा, फ्लेम को कर दिया है बंद, तो अब इसको हम ठंडा कर लेंगे इस तरह से। देखिए बॉयल आ चुका है, तो अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद अपनी। इसको गाइस हम 3 मिनट, 3 से 4 मिनट, आप वनीला फ्लेवर ऐड करने के बाद, कस्टर्ड पाउडर ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट आप से कुक कर लीजिए और फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। चलिए उधर जब तक दूध ठंडा हो रहा है तब तक हम कुछ और इन्ग्रीडियंट कर लेते हैं, यानी अपना जामुन बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने दही ले लिया है 2 स्पून के करीब और इसको अच्छे से फेंट लेंगे, देख सकते हैं अच्छे से फेंटेंगे, बिल्कुल इसमें गांठें ना रह जाएँ, इस तरह से फेंट लेंगे। तो ये हमारा फेंट कर तैयार है। तो ये देखिए दूध को अभी ठंडा होते समय हो गया है। तो देखिए इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, इतना ठंडा करना है कि हम इसे टच करें तो हल्का से टच कर पाएँ। ये देखिए इस तरह टच कर रहे हैं, तो 1 सेकेंड से ज़्यादा हम हाथ को टच नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देखिए इसमें अब हम ऐड कर देंगे अपना जामुन, और इसको गैस छोड़ना नहीं है, इस तरह से चलाते रहना है जिससे कि जो जामुन है ना वो हमारा हर तरह से मिल जाए और दूध हमारा अच्छे से जम जाए। तो देखिए अब इसे हम दूसरे बर्तन में कर लेंगे, क्योंकि वो बर्तन हमें खाली करना था। तो इसमें डालकर भी हम ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे जिससे कि दूध हमारा हल्का सा ठंडा भी हो जाए और जामुन भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देख सकते हैं, और अब हम गाइस क्या करेंगे, इसको ढक करके अपना ऐसे ही किचन काउंटर पर रख देंगे। तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद, तो 1 घंटे में हमारा दही जम करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए 1 घंटा हो चुका है, ये हम अपना दही देखेंगे अभी खोलकर। तो ये देखिए गाइस एकदम से यम्मी टेस्टी दही जम करके तैयार है। ये देख सकते हैं हम इस तरह से कर रहे हैं, तो साइड में हटता हुआ दिख रहा है, तो यानी दही जम चुका है अच्छे से। अब इसे क्या करना है, हम इसे फ्रिज में रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए, 1 से 2 घंटे के लिए, या हो सके तो ज़्यादा के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको खट्टा दही पसंद है तो आप प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही 2 से 3 घंटे रखे रहने दीजिए, दही खट्टा बन जाएगा। तो ये देखिए इसको अब हम रख देंगे फ्रिज में 2 घंटे के लिए, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा हमारा। तो गाइस ये देखिए हमारे यहाँ जैसा कि पता है आप लोगों को लाइट की प्रॉब्लम रहती है, तो देखिए हमने दूध को फ्रिज में रखा था मगर लाइट ही नहीं आई, इस वजह से अच्छे से नहीं सेट हो पाया है। मगर कोई बात नहीं, ये देखिए इस तरह से निकालने पर आप खुद ही देख रहे होंगे इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, कितनी थिकनेस वाली है। अगर ये थोड़ा सा ठंडा हो गया होता तो ये बहुत अच्छा और बहुत यम्मी बन गया होता। तो देख सकते हैं आप लोग दही की कंसिस्टेंसी।
इस तरह से आप बना करके एकदम रेडी करिए। बच्चे हों या बड़े सभी खाना पसंद करेंगे इस दही को, और इस गर्मी बहुत ज़रूरी है हमको खाना दही। तो अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे।